नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गुरु में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की ऐसी टिप्स के बारे में जो आपकी बिजी लाइफ और भी ज्यादा इजी कर देगा। देखिए दोस्तों, आजकल एंड्रॉइड और एप्पल का जमाना है और सब लोग यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड फोन तो मोस्टली यूज कर ही रहे हैं। तो अब ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में एंड्रॉइड फोन कनेक्ट करने के लिए आपको डेटा केबल की रिक्वायरमेंट होती है बार बार, और आपको फाइल ट्रांसफर करने के लिए डेटा केबल को आप मैनेज करके रखना पड़ता है, आपको कैरी करना पड़ता है, या आप सपोज कहीं भूल गए हो या कहीं आपकी खो गई हो, अब फाइल को ट्रांसफर करना है तो दोस्तों कैसे करना है। दोस्तों इसी के लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने फाइल को, आपके मोबाइल की फाइल को आप कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं और कंप्यूटर की फाइल को आप अपने मोबाइल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बिना किसी डेटा केबल के। है ना अच्छी बात दोस्तों, बिना डेटा केबल के आप अपने मोबाइल की फाइल को पीसी में और पीसी की फाइल को मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक प्ले स्टोर यूज करना पड़ेगा पहले। तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर यूज कर लीजिए, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में, प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको यूज करना है FTP वाईफाई सर्वर। तो दोस्तों आपको ये टाइप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर देना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन करना है दोस्तों, लेकिन आप उससे पहले, ओपन करने से पहले आप ये चीज याद रखिएगा कि आपका जो मोबाइल है, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट से ही आपका सिस्टम कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका सिस्टम आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्टेड नहीं है दोस्तों, तो वो आपका काम नहीं करेगा, चाहे कहीं से भी कितना भी क्लिक कर लो। तो अब सबसे पहले मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके अभी सिस्टम को कनेक्ट कर लेता हूं, और जैसा कि मेरा मोबाइल ये है तो अभी देखिए ऑटो कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा है नो इंटरनेट एंड सिक्योर, मतलब है कि अगर आपको फाइल ट्रांसफरिंग करना है तो आपको इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दोस्तों मेरा मोबाइल का डेटा ऑफ है, इसके लिए आपको नो इंटरनेट दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आपको इंटरनेट ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, बिना इंटरनेट के भी आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अब आपको मोबाइल में ओपन करना है हमारा FTP वाईफाई FTP सर्वर। अब ये ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला स्टार्ट और दूसरा है गेट प्रो वर्जन, लेकिन हमें अभी गेट प्रो वर्जन यूज नहीं करना है, अभी सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको, जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको इस तरीके का आपको एक URL मिलेगा जिसका FTP 192। तो ये वाला जो है इसको हमें क्या करना है, हमारी माई कंप्यूटर ओपन करना है और यहाँ पे हमें लिखना है एज इट इज 192.168.156.108, और ये जो हमारा था ये हमें एज इट इज पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो दोस्तों जो भी हमारी मोबाइल का इंटरनल स्पेस है वो यहाँ पे कम्प्लीटली हमें दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं डाउनलोड में जा सकता हूँ और डाउनलोड में जो भी मेरी फाइल है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप में पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हो गई। अब सपोज मेरी डेस्कटॉप की फाइल है या कोई और फाइल है, उसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, मतलब ये मोबाइल में जा चुकी है। देखिए खास चीज़ ये है दोस्तों कि ये किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है, डेटा मतलब वायर कनेक्शन नहीं है, वायरलेस कनेक्शन है। है ना अच्छी बात दोस्तों। तो ये यूज़ कीजिए दोस्तों, आई होप आपको ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी और आपकी जो डेटा केबलिंग का जो यूज़ करने का कॉन्सेप्ट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सिंपल से आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है और फाइल ट्रांसफर करना है, बहुत ही इजी चीज़ है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस प्रकार के आपके लिए ढेरों टिप्स और टिप्स आपके लिए लेके आता रहता हूं जो आपकी बिजी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ईजी करेगा।